हेलो दोस्तों, आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो मोबाइल है वीवो V19 है। तो वीवो V19 में एक नया अपडेट आया है जो कि मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो ये जो अपडेट्स है वीवो V19 में, जो कि ये पहले जो वर्जन है काम करता था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सेटिंग में चलते हैं इसकी, और सेटिंग में जाने के बाद हम चेक कर लेते हैं क्योंकि अभी जब आपको मैं अपडेट्स करूँगा तब वहाँ से पता चल जाएगा। तो उससे पहले हम इसके अबाउट सिस्टम को चेक कर लेते हैं। तो अबाउट में जब आप जाएंगे तो इसको मैं आप दिखा दूँगा, यहाँ पर इस समय आपको एंड्रॉयड वर्जन 10 पे दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है एंड्रॉयड वर्जन 10। अब जो इसका अपडेट्स आया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो लेटेस्ट अपडेट करने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पर जो कंपनी तरफ से अपडेट दिया गया है, तो ये जो सिस्टम है जो अभी एंड्रॉयड 10 पे काम कर रहा था वो एंड्रॉयड 11 पे काम करेगा, जो कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी तरफ से दिया गया है योर सिस्टम हैज बीन अपडेटेड टू एंड्रॉयड 11। तो इसके लिए ये लगभग जो अपडेट्स आया वो 3.77 लगभग 4 GB का अपडेट आया वो आपको इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा। तो इसे ही मैं आज अपडेट करने वाला हूँ। अपडेट करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, तो फाइनली जैसे मैं आपको बता दूं, आप बेसिकली सारे अपडेट्स करते ही होंगे। जब आप सेटिंग में आएंगे तो सेटिंग में आपको सिस्टम अपडेट का एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको राइट पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, आपको सिस्टम अपडेट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है, जो कि यहाँ पर ब्लू कलर का आ जाएगा। अगर आप वीवो V19 यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी पता होगा नॉर्मली। तो यहाँ पर आने के बाद आपको जैसे देखेंगे फ्रंट टच OS आपको दिख जाएगा, जो करंट अपडेट इससे पहले जो हो चुका है वो आपको यहाँ पर वर्जन दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे की तरफ आपको डाउनलोड दिखाई दे रहा है ऑप्शन, नहीं दिखाई दे रहा तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तब आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने से पहले आप इसे पढ़ भी सकते हैं, हो सकता है आपके फ़ोन में अभी ये अपडेट ना आया हो एंड्रॉयड 11 का। अगर आ गया तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आपको साइज़ भी दिख जाएगा 3.77 का। तो इस मोबाइल पर जो है वो अपडेट आ चुका है, तो मैं इसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड, ये आपको जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मांगा कि आप ये जो डाउनलोड जो अपडेट्स है वो करना चाह रहे हो, आप अपने मोबाइल इंटरनेट से करना चाह रहे हैं या आप वाईफाई यूज़ करते हैं। तो जो भी आप चाहते हैं उसको यहाँ पर इंटरनेट से कनेक्ट कर देना, इंटरनेट ज़रूर कनेक्ट होना चाहिए आपके फ़ोन का। और इसके बाद यहाँ जब कर देंगे क्लिक तो यहाँ पर डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड, ये डाउनलोडिंग में थोड़ा टाइम ले सकता है, जो कि यहाँ पर 3.77 लगभग 4 GB का ये अपडेट्स है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। और इसको आप एक बार अपडेट लगाने के बाद इसको आपको फ़ोन को साइड में रख दीजिएगा। वैसे तो ये बैकग्राउंड में भी डाउनलोड होता रहेगा, अगर आप इसे डायरेक्टली एक साइड में रख देंगे थोड़ा समय निकाल के, तो यहाँ पर जल्दी ये डाउनलोड हो जाएगी फाइल और आप जल्दी से अपडेट्स कर पाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप सिस्टम अपडेट करते हैं और उस समय जब आपका सिस्टम रिबूट पर जाता है, तो आपको कभी भी यहाँ पर अपना पावर बटन या वॉल्यूम बटन कभी ट्राई नहीं करना चाहिए। उससे क्या है, आपका जो सिस्टम है वो क्रैश हो सकता है और जो भी अपडेट्स है वो आपको अपडेट्स तो नहीं होगा, और साथ ही आपका जो डिस्प्ले है जो इसमें सॉफ्टवेयर वर्जन पड़ा होता है जो कि अपडेट्स होता है वो क्रैक हो सकता है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, बूट होते समय आपको कोई भी पावर बटन नहीं दबाना है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए मैं यहाँ पर वेट करता हूँ, अभी 3% हो गया है। अब हम बात करेंगे इसके लगभग ये 98 के बाद हो जाएगा, तो उसके बाद मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा आपको आगे क्या करना है। तो ये चीज़ आप अपडेट्स पढ़ भी सकते हैं जब तक आपका यहाँ पर अपडेट्स हो रहा है, यहाँ पर कुछ अपडेट्स किस बारे में दिए गए हैं। और यहाँ पर जैसे एंड्रॉयड 11 दिया गया, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें फैसिलिटी मिलेंगी, जैसे होम स्क्रीन को लेकर आपको या डायनेमिक इफेक्ट्स, तो ऐसे बहुत सारी आपको यहाँ पर अपडेट्स मिलेंगे जो कि इस एंड्रॉयड 11 के साथ में आ रहे हैं। तो वो बहुत सारे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, तो ये सारे आप पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर स्मार्ट मिररिंग का भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा यहाँ पर। तो जैसे कि आपको यहाँ पर जो डाटा है वो डाटा आपको अनलिमिटेड मांगेगा, तो वो आप सेट कर लीजिए इस तरह से चाहे। तो यहाँ पर आपको कॉजन वगैरह भी दिए गए किस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे डाउनलोड लगभग 99% से ज़्यादा हो गया। अभी फाइनली यहाँ पर आपका जो सिस्टम है जो कि मोबाइल में, तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है अपडेट होगा, यहाँ पर आपका मोबाइल है बूट होगा। तो यहाँ पर कुछ देर के लिए आपका मोबाइल जैसे स्विच ऑफ होता है इस तरह से होगा, तो बूट होते समय यहाँ पर कुछ फाइल अपडेट होंगी, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट कीजिए। 99% हो गया यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसके बाद जैसे ही 100% होगा अपने आप से ये आपको बूट के लिए मांगेगा। कभी कभी बूट के लिए नहीं मांगता है, क्योंकि वहाँ पर ऑटो अपडेट्स होता है, तो डायरेक्टली अपने आप से सिस्टम शट डाउन में चला जाता है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हो गया काम। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर 100% होते ही यहाँ पर आपको वेरीफाई अपग्रेड मांग रहा है आपका आपका पैकेज है जो, तो इसको थोड़ा सा वेट करना है, ये अपने आप से रिबूट लेगा यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर वेरीफाई अपग्रेड पैकेज लिख के आ रहा है। तो ये जब आपका पूरा डाउनलोड हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 4 GB की फाइल लगभग डाउनलोड करने के लिए थी, तो की तो इस तरह से आपका सिस्टम शट डाउन पर जाएगा। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, यहाँ पर वेट करना है थोड़ा सा, और यहाँ पर आपकी जो फाइलें हैं वो रिबूट होंगे, जो कि आपको इस समय दिख जाएंगी।
यहाँ पर अभी पूरी तरह से शट डाउन हो गया है सिस्टम, दोबारा से ऑटो रिस्टार्ट होगा तो यहाँ पर इस तरह से आपको दिख जाएगा। तो जो आपकी फाइलें हैं यहाँ पर इस तरह से आपको रिबूट होती दिख जाएंगी, तो जो कि यहाँ पर आपको एंड्रॉयड वगैरह यहाँ पर लिख के आ जाएगा पर, और इस तरह से जो फाइल है अब आप देख सकते हैं। तो ये जो फाइल है आपको इस तरह से यहाँ पर जब चलेगा एक लाइन चलेगी, आपको थोड़ा वेट करना है, ये प्रॉपर इसी तरह से ही कंप्लीट होगी यहाँ पर जैसे 100% होता है। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जाएगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, तब तक हम वेट कर लेते हैं इसका। और यहाँ पर आप जैसे मैं बोला था आपको कुछ भी बटन नहीं टच करना है, कोई बटन नहीं दबाना है, वो आपको यहाँ पर वार्निंग दी गई है जो कि इंस्टॉलेशन अपडेट पैकेज डोंट टच द बटन, यहाँ पर लिखा गया है देयर विल बी लॉन्ग बैक स्क्रीन, तो ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है आफ्टर द अपग्रेड, प्लीज़ बी पेशेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है अपना, थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पर भी उन्होंने वार्निंग दी है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है जब भी आपका फ़ोन कभी भी अपडेट होता है या कभी भी अपग्रेड के लिए लगाते हैं, तो इस चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना होता है। कई बार हो जाता है धोखे से हम बटन दबा देते हैं, तो उस दौरान क्या होता है जो अपडेट होना होता है वो रुक जाता है और हमारे लगभग आधे घंटे तक मोबाइल ऑन नहीं हो पाता है, ऐसी दिक्कतें भी आती हैं, तो थोड़ा सा वेट करना है इसके लिए। तो फाइनली फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है प्रोसेस, ये लास्ट तक पहुँच चुका है। ये आपको एक ब्लू लाइन दिख रही होगी, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लाइट की वजह से आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि मोबाइल की डिस्प्ले की रोशनी पूरी है। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपकी फाइल ऑप्टिमाइज हो चुकी है। तो अब दोबारा से जब सिस्टम बूट होगा यहाँ पर रिस्टार्ट होगा आपका, तो इस तरह से आपको फिर से नॉर्मली ऑन होगा, तो इसके लिए भी आपको होने देना है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर थोड़ा हम वेट और कर लेते हैं, मोबाइल को ऑन होने में थोड़ा सा समय लगेगा। और तो यहाँ पर फाइनली ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है, यहाँ पर ऐप वगैरह है, तो यहाँ पर दिखा रहा है जितने भी फ़ोन में ऐप होंगे आपके। तो एग्जांपल बात करूँ यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन है जो फ़ोन की, यहाँ पर 110 मतलब 110 फाइल हैं जो कि यहाँ ऐप की, तो वो दिखा रहा है यहाँ पर, उन्हें स्कैन कर रहा है, लगभग 77-78 हो चुकी हैं। तो जितने भी फ़ोन के अपने पर्सनली ऐप होते हैं जो कि आपको फ़ोन में प्रोवाइड किए जाते हैं, वो टोटल किसी भी तरह की फाइलें ऐप हो सकते हैं, तो वो सारे यहाँ पर आपको ये ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है उन ऐपों को, और जो आपने पर्सनल भी कर रखे हैं अपने प्ले स्टोर से उनको भी शायद दिखा रहा है। तो इस तरह के जो भी है इन्हें जल्द कंप्लीट कर लेगा उस। तो यहाँ पर फाइनली सारी फाइलें स्कैन हो चुकी हैं जो ऑप्टिमाइजिंग चल रहा था यहाँ पर, तो थोड़ा सा और वेट करते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है सिस्टम आपका पूरी तरह से रिबूट हो गया है, तो मैं यहाँ पर जो भी इसका पासवर्ड है उसे डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो भी पासवर्ड आपका डाल देना है, ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से आप पासवर्ड डालेंगे जो फाइनली यहाँ पर आपका लोडिंग होगी जो फाइल, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से आप देखेंगे फ्रेंड यहाँ पर जो अब इस तरह से फाइलें आ चुकी हैं। तो एग्जाम्पली मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो अपडेट है वो अपडेट आपका आया है नहीं आया, जैसे मैंने बताया आपको एंड्रॉयड 11, तो जो अपडेट हुआ है नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम चलते हैं जल्दी से सेटिंग में। तो सेटिंग आप चाहें ऊपर से भी जा सकते हैं और आप मेन सेटिंग से ऐप से भी जा सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन में जा चुका हूँ, तो यहाँ पर अब जल्दी से हम चलते हैं यहाँ पर सिस्टम अपडेट पे। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर नो इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मैंने जब अपडेट किया तो इंटरनेट कनेक्शन चल गया था, तो मैं अभी इसे कैंसिल करता हूँ। यहाँ पर जैसे जो अपडेट्स हुआ है वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको लिख के आ जाएगा जो भी आपका अपडेट हुआ है वो ऊपर की तरफ अपडेट दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको न्यू दिखा दिया गया, यहाँ पर सिस्टम जो स्टेबिलिटी है वो एंड्रॉयड 11 पे यहाँ पर अपडेट हो चुका है, तो उसको मैं दिखा देता हूँ एंड्रॉयड 11 ने यहाँ पर कहाँ पर दिखा रहा है। तो इसका फ़ायदा ये होता है फ्रेंड आपका जो सिस्टम है जैसे कि मोबाइल की बात करो वो काफ़ी स्मूथली चलने लगता है, जो आपकी डम फाइल होती हैं जो कुकीज़ होते हैं वो सारे हट जाते हैं और दोबारा से आपका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, आप उसको बढ़िया से यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पर अबाउट के ऑप्शन पर मैं चलता हूँ, और जैसे फ्रेंड मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको एंड्रॉयड वर्जन जो 10 आ रहा था, इस समय आपको 11 दिखाई दे रहा था, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो जो फ्रंट एंड 10.5 अब वो तो वीवो की कंपनी तरफ से आता ही है, और जो एंड्रॉयड वर्जन 10 था इस पर अब वो एंड्रॉयड वर्जन 11 पे काम करेगा ये। ठीक है, तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट आता है, ये हो सकता है अगर आपका वीवो V19 मोबाइल है, हो सकता है अभी तक आपके पास ना आया हो, तो कुछ समय में आ जाएगा। तो ये जो अपडेट है वो कंपनी की तरफ से ही दिया जाता है, मेरे हिसाब से लगता है कि आपके पास भी पहुँच चुका होगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये अपडेट सबको आ चुका होगा। अगर आपने अपडेट कर लिया है, नहीं किया है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से इसे अपडेट कर सकते हैं। और जैसे मैं इसके लिए बता दूं थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है, तो जैसे आपको यहाँ पर इससे पहले आपने देखा हो तो यहाँ पर जो आइकन्स वगैरह हैं तो इस समय आपके दिखते होंगे, आपको यहाँ पर काफ़ी चेंज हो चुके हैं, क्योंकि ये इससे पहले आइकन जो थे थोड़े से चेंज आ रहे थे। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंज होता है, जबकि आप धीरे धीरे आप जब अपना मोबाइल चलाएंगे तो आपको यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जैसे थीम वगैरह, तो जैसे आप
सिस्टम की थीम वगैरह है, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर चेंज मिलेगा। तो ये जो फंक्शन है थोड़े से चेंज हो जाते हैं जब आप इसे यूज़ करेंगे, और आपने पुराना जब देखा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें आपको अपडेट दिखाई देंगी। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती हैं जो कि यहाँ पर कंपनी की तरफ से दी जाती है, और आप इसमें कुछ सेटिंग्स वगैरह हैं जिनको अपने तरीके से भी और ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें जो एंड्रॉयड 11 पे है, तो यहाँ पर एंड्रॉयड 11 में जो भी आपको फीचर्स दिए जाते हैं वो सारे आपको यूज करने के लिए इसमें मिल जाएंगे। और फ्रेंड, अगर आपको कुछ लगता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही, अगर आपको लगता है यहाँ पर एंड्रॉयड 11 के कुछ फीचर्स आपको नहीं मिले, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी कोई भी दिक्कत आती है तो उसे सॉल्व करने की। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा आप तो उसके लिए भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड मैं इस तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।